कार्तिक आर्यन इस समय के बी टाउन के सबसे सफल कलाकारों में से एक हैं, जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने करियर की गाड़ी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी एक्टिंग और टैलेंट के दम पर कार्तिक आर्यन घर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं। यही कार्तिक आर्यन आज यानी 22 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कार्तिक ने अपने करियर ग्राफ में बहुत सी बेहतरीन फिल्में की हैं, जिनमें उनकी अदाकारी की तारीफ न केवल दर्शकों ने बल्कि समीक्षकों ने भी दिल खोल कर दी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले कार्तिक ने भी अपने बॉलीवुड में एंट्री से पहले काफ़ी मेहनत की है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको अभिनेता के स्ट्रगल के दिनों की कुछ बातें बताने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन 22 नवंबर को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में जन्मे। आज भले ही कार्तिक आर्यन का नाम बॉलीवुड के सफल स्टार्स में गिना जाता हो और उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए घर से निकले नहीं थे। दरअसल कार्तिक आर्यन ने अपने घर वालों से अपने एक्टर बनने का सपना छिपाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। उन्होंने नवी मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कार्तिक के अंदर एक्टर बनने का जुनून था और यही वजह रही कि कॉलेज के टाइम पर ही उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी। बस यहीं से कार्तिक का स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। अभिनेता ने खुद अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताया। कार्तिक आर्यन ने खुलासा किया था कि चाहे आज उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब छोटे मोटे ऑडिशंस तक में रिजेक्ट होना पड़ा। कार्तिक के अनुसार जब वह मुंबई में फिल्मों के काम की तलाश में निकले तब सब कुछ बहुत अलग था। कार्तिक के अनुसार उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और वह अक्सर लोकल ट्रेन में बिना टिकट सफ़र किया करते थे। यही नहीं, स्ट्रगल के दिनों में कार्तिक लगभग 12 लोगों के साथ रूम शेयर करते थे। कड़ी मेहनत के बाद कार्तिक को साल 2011 में एक्टिंग का मौका मिला। कार्तिक आर्यन ने 2011 में फिल्म प्यार का पंचनामा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उन्होंने रजत का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने लगभग 5 मिनट बिना रुके डायलॉग बोला था। फिल्म सुपरहिट रही। एक्टर ने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई। कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर सुर्खियों में है। इसके अलावा कार्तिक अपनी अनटाइटल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। एक्टर साजिद नडियादवाला के प्रोडक्शन द्वारा बनाई जा रही और कबीर खान द्वारा निर्देशित चंदू चैंपियन में भी वह बिजी है। कार्तिक आर्यन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ।